एज यू कैन सी हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू है यहाँ पे। डॉक्टर आर्टेक्स ब्रांड का डैम्पिंग किया है। जस्ट लुक एट द वे जिस हम लोगों ने डैम्पिंग किया है। होंडा सिविक है, 2008 वेरिएंट है, बट इतना अमेजिंगली डैम्पिंग किया हुआ है गाड़ी पे। लुक एट द स्पीकर्स, हाउ वेल दे हैव बीन इंस्टॉल्ड। प्रॉपर वुडन स्पेसर के साथ, रिंग गार्ड के साथ में इंस्टॉल किया हुआ है। क्रॉसओवर माउंटिंग चालू है अभी। सो दो एम्पलीफायर्स हम लोग लगाने वाले ये सीरीज के, वन इज मोनोब्लॉक एंड वन इज फोर चैनल एम्पलीफायर। सो यहाँ पे टेक्निकली राइट इंस्टॉलेशन हम लोग कर रहे हैं। प्रॉपर फोर गेज पावर वायर्स यूज किए हुए हैं विद द बैटरी लग्स, फेरल्स के साथ में है, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक भी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। लेट्स हैव अ लुक एट द रियर स्पीकर इंस्टॉलेशन। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे तो स्पीकर है ही नहीं हमारा, रियर डोर में स्पीकर नहीं आता है सिविक में, रियर पार्सल ट्रे पे स्पीकर आता है। लेट्स हैव अ लुक एट द वे। डॉक्टर आर्टेक्स का लेस एक्सपर्ट सीरीज का फोम शीट यूज किया है यहाँ पे, जिससे कोई भी वाइब्रेशंस पास ऑन नहीं होंगे थ्रू आउट द पैनल। एंड जस्ट हैव अ लुक। समीर सर को ऑडियो की बहुत चाहत थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल देखा था, वहां से हमें इंक्वायरी की पहले कि अरे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा होंडा सिविक है 2008 का मॉडल है। बोला चलो ठीक है, तो उन्होंने ऑडियो के लिए हमारे को चांस दिया। वो बोले कि सर आपके हिसाब से क्या सही से बैठेगा ये बजट में, ये गाड़ी के अंदर क्या लगाना चाहिए। तो हम लोगों ने थोड़ा सा उनके साथ डिस्कशन किया, वी केम टू अ कंक्लूजन कि ये गाड़ी में इनका रीजनेबल बजट में ही वांटेड एवरीथिंग इन द कार बट विथ वेरी गुड साउंड क्वालिटी। हम लोगों ने कस्टमर को ये कंप्लीट साउंड सिस्टम रेकमेंड किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंप्लीट सोनी ES की सीरीज है। इसमें कोई भी दूसरा GS सीरीज का एम्पलीफायर या कोई दूसरे सीरीज का एम्पलीफायर प्रोसेसर कुछ यूज नहीं किया है। प्रॉपर कंपोनेंट्स फ्रंट में इंस्टॉल कर दिए है। रियर जो पार्सल ट्रे आता है उसके ऊपर कोएक्सियल स्पीकर्स इंस्टॉल किए हैं। ये दोनों चीजों को ड्राइव करने के लिए 4ES जो एम्पलीफायर आता है सोनी का, ES सीरीज का, वो हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किया है। उसके बाद एक वूफर इंस्टॉल किया है 12 इंचेस वाला। ये वूफर चलाने के लिए विल रिक्वायर अ वेरी पावरफुल मोनोब्लॉक, यस। तो हम लोगों ने ES सीरीज का मोनोब्लॉक भी इसमें इंस्टॉल कर दिया है। सो ये कंप्लीट पैकेज ES सीरीज का है। कस्टमर को बजट था अराउंड 1.5 टू 1.7 के बीच में करना है, बस ये बजट आपके सामने है। पूरा वायरिंग किट डैम्पिंग के साथ में इंस्टॉलेशन के साथ में अराउंड 1.7 लैक्स में ये पूरा इंस्टॉलेशन हो चुका है। एंड साउंड क्वालिटी जो गाड़ी के अंदर आया है, समीर सर वाज लाइक यस मुझे यही चाहिए था मेरे गाड़ी के अंदर एंड आई एम सो सैटिस्फाइड। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है एंड व्हाट बजट साइज वी वांट टू गो फॉर। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द इंस्टॉलेशन, द वे ऑफ इंस्टॉलेशन। आपने देखा हम लोगों ने सब जगह पे फेरल्स यूज किए थे, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक यूज किया था पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद डैम्पिंग का तरीका आपने देखा है हमारा, स्पीकर इंस्टॉलेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने पार्सल ट्रे का जो स्पीकर था, नॉर्मली कैसा इंस्टॉलेशन होता है, जस्ट वो स्पीकर निकालो, ये स्पीकर लगा दो, चार स्क्रू लगा दो, खत्म बात। वैसा नहीं हो सकता है ये सब गाड़ियों में जहां पे पार्सल ट्रे पे स्पीकर आते हैं। रीजन बिहाइंड, अगर आप सिर्फ और सिर्फ चार स्क्रूज के ऊपर अगर स्पीकर माउंट करेंगे आपको साउंड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा और साउंड फटे जैसा आवाज आएगा। सो उसका इंस्टॉलेशन करने का जो तरीका है, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर बैफल शीट। हम लोगों ने लेस एक्सपर्ट यूज किया है डॉक्टर आर्टेक्स का, उसमें स्पीकर इंस्टॉल करने के लिए, जिससे जो भी वाइब्रेशन आ रहे थे पैनल में वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए एंड जो बेस इफेक्ट भी आना चाहिए था वो भी अच्छे से आ रहा है। सो दिस इज वॉट इज इम्पोर्टेंट, वी कीप अ वेरी प्रॉपर डिटेल्ड आई ऑन द माइन्यूट डिटेल्स जो गाड़ी के अंदर होने चाहिए इंस्टॉलेशन के दौरान, वो हम लोगों ने इस गाड़ी में हर चीज की है। ये सब इंस्टॉलेशन के लिए गिव अस 2-3 डेज टाइम, विल गिव यू बेस्ट क्वालिटी इंस्टॉलेशन इन द कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक द साउंड आउटपुट, द एंटायर इंस्टॉलेशन एंड इन द एंड जो सबसे मेन था कस्टमर का सेटिस्फेक्शन था वो हम लोगों ने गाड़ी में अचीव किया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू लिसन टू ऑडियो इन दिस कार। ऑडियो के बीच में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बेस नॉब से आप कैसा बेस इजीली एडजस्ट कर सकते हो, हम लोगों ने इधर प्लेस किया हुआ है। सो इसमें नॉब दिया है, इसमें आप बेस कम ज्यादा कर सकते हो, बट ऑडियो के टाइम पे हम लोग इसको देखेंगे प्रॉपरली।
समीर जाधव सर आमच्या सोबत आहेत सकाळपासनं. सकाळी ते दुकान उघडल्यापासून आले आणि आता आमच्या सोबतच दुकान बंद करणार आहेत. त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात त्यांचा एक्सपिरियन्स कसा राहिलेला आहे. आम्ही बरेच दिवसांपासून व्हॉट्सअपवर पण बोलतो आहे. समीर सर प्लीज वेलकम. वेलकम आणि सगळ्यात पहिले अभिनंदन. तुमच्या गाडी इतकी छान ठेवली आहे तुम्ही पहिली गोष्ट. मनापासून गाडी ठेवल्यासारखं वाटतंय ते. सोनी एस सिरीज बद्दल बोलायचं म्हणजे सोनी हा खूप म्हणजे जुना ब्रँड आहे. त्याबद्दल म्हणजे ऑडिओ बद्दल त्याच्याबद्दल बोलायची काही गरज नाही, ते सगळ्यांनाच माहिती आहे. पण मला जो म्हणजे आउटपुट पाहिजे होता सोनी एस सिरीज कडून, ते मी फक्त आतापर्यंत जे रिव्ह्यू वगैरे बघितले होते ते युट्यूबवर बघितले होते. मी समोर असा आउटपुट कधी बघितला नव्हता. पण ज्या कारणासाठी मी आलो, मला जे म्हणजे आउटपुट पाहिजे होतं, जो बेस क्लिअरिटी पाहिजे होतं, जे साऊंड क्लिअरिटी पाहिजे होते, सगळे एस सिरीजमध्ये कम्प्लीट मला जसं पाहिजे असं मिळालं. त्यामुळे सॅटिस्फाईड आहे, एकदम म्हणजे कम्प्लीट सॅटिस्फाईड आहे. आणि मजा आली म्हणजे हा जो ऑडिओ सेटअप लावून मजा आली आणि मस्त आहे एकदम. मुलांनी कसं काम केलं? मस्त मस्त काम वगैरे एकदम पद्धतशीर केलं. मस्त डॅम्पिंग वगैरे पण मस्त केली. जसे काम आहे ते कामाची पद्धत एकदम बरं आहे. मग तुम्ही एवढे मुंबईवरनं आले आमच्याकडे, तर तुम्हाला सॅटिस्फाईड वर्थ वाटतंय का? म्हणजे तुम्ही ट्रॅव्हल करून आले आमच्या. वाटतं वर्थ. आता म्हणजे हा जो ऑडिओ सेटअपचा जो मी आता आवाज ऐकला त्याच्यावरून असा म्हणजे दिवसभर आपण एवढं म्हणजे काम गाडी मागे होतो आपण काम करत, ते आता म्हणजे थकवा पूर्ण निघून गेला त्याचा. मस्त वाटला आता जो ऑडिओ ऐकला, एक नंबर वाटलं ते. आणि फुल म्हणजे पैसा वसूल आहे एक प्रकारे बोलायला गेला तर. हा जो ऑडिओ सेटअप आहे पैसा वसूल आहे. आणि आपल्याला त्यानंतर मग काय सोनीचा ब्रँड मिळतं तर मग काय आपल्याला जास्त विचार करायची गरज नसते त्यासाठी. बस एवढंच. पण मस्त एकदम ऑडिओ सेटअप एकदम मस्त आलाय. आणि सगळ्यांना मी सजेस्ट करेन भंडारी कार्यशाळेमध्ये या आणि नक्कीच ऑडिओ सेटअप तुम्ही प्रिपेअर करा.